कहानियाँ तो आपने कई तरह की सुनी होगी, कहीं किसी हीरो की कहानी तो कहीं किसी विलन की कहानी, लेकिन ये कहानी कुछ अलग है, क्योंकि ये कहानी है सिर्फ एक नाम की। ये कहानी है राम भक्त हनुमान की। तो इस कहानी की शुरुआत होती है शनिवार रात को एक फोन कॉल से, जो कि मेरे घर नहीं मेरे दोस्त के घर बजता है। और कॉल रिसीव होते ही मैंने उससे पूछा कि भैया जी पुनरा सर चलेंगे क्या? तो भैया जी का जवाब आता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर जाएंगे। तो कुछ देर की गहरी चर्चा के बाद हम दोनों के बीच में एक दिन और एक समय तय होता है। तो दिन है मंगलवार और समय है सुबह 8 बजे। बीकानेर से 60 किलोमीटर दूर एक गांव पुनरासर, जो कि पूरे भारत में बालाजी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, और मैं अभी अपने मित्र अंकित के साथ वहीं जा रहा हूँ। तो 1774 में जब पुनरासर गांव में भारी अकाल पड़ने के कारण गांव के जयराम भोतरा पंजाब से अनाज लेकर वापस आ रहे थे। तो रास्ते में उनकी ऊंटनी का पैर टूट गया, तो वे उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। और ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त हनुमान जी स्वयं एक साधु के रूप में आकर उन्हें इस मूर्ति की ओर इशारा करके मूर्ति को अपने साथ ले जाने के लिए बोला। तभी से ये मूर्ति इस मंदिर में है। यहीं पास में हनुमान जी की माता अंजनी माता का भी मंदिर है, जो कि बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो अभी यहाँ से हम वहाँ जाते हैं। तो चलिए। Thank you.
नासे रोग हरे सब पीर, जपत निरंतर हनुमत देव। जय श्री।